सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस जगह पे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं आज बहुत टाइम के बाद यहाँ पे बर्फ़ गिरा है। अभी देखिए आप मार्केट में यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि आज का क्या है यहाँ पे। आप सलीम साहब, आप बता सकते हैं आज बहुत टाइम के बाद बर्फ़ गिरा है, कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो ये खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बर्फ़ गिरा है और काफ़ी टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था। पिछले दिनों आप ही अपने रेडियो या टीवी में देखा होगा, टेम्परेचर जो है -25 के आसपास चला गया था। तो इस बर्फ़ से हमें काफ़ी मतलब राहत मिला, इससे टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो चुका है और कहीं ना कहीं इससे अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं, बर्फ़ हमारे लिए ज़रूरी है। आपको कितना मुश्किलात होती है यहाँ पे, आप विंटर पढ़ाते हो और ये कहते हैं कि बर्फ़ होता है? मुश्किलात तो होते हैं सर, चैलेंज तो आते रहते हैं, तो चैलेंज को तो हमें आगे एक्सेप्ट करना है। काफ़ी हमने हीटिंग अरेंजमेंट भी किया है स्कूलों में, तो काफ़ी टेम्परेचर होने के बावजूद भी बच्चे आ रहे हैं, तो चैलेंज तो यही है कि रोड अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है यहाँ से, करगिल भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंटों को प्रॉब्लम होता है। तो एज आप देख सकते हैं हमारे दुकानें बिल्कुल ऑफ हैं, दुकानों में इतना ये अवेलेबल सामान नहीं है। आपका जो जिला तो बिल्कुल हमें बंद हो चुका है, 3-4 महीने के बाद ही खुलेगा। तो ऊपर से जो करगिल से हमें जो सामान आता है, जो रोज़मर्रा का जो दूध है या कुछ छोटे छोटे सामान, जो इसके लिए भी हमें चैलेंज आते हैं। विंटर में खाने की क्या प्रॉब्लम पड़ती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह? तो यहाँ की दुकानें हमारे पास हैं पूरे, सब्ज़ी में कोहरा जम चुका, सब्ज़ी जो सीज़न में रखा है जो सूखा के, इसी को यूज़ करते हैं। ये थे सलीम से दास।